नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में मैं सुशील विश्नोई आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन अध्ययन कर रहे हैं वर्तमान में आधुनिकवाद के बारे में। आधुनिकवाद का जो अंतिम टॉपिक पढ़ा था दोस्तों, वो अपन ने पढ़ा था लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में जब पूर्ण स्वराज्य की मांग हुई और नमक पर जब पूर्ण स्वराज्य की जब मांग होती है और पहली बार तिरंगा झंडा फहराता है, इसी समय अंग्रेज लगा देते हैं नमक पर कर। इसी नमक के कर को एक हथियार बनाते हुए गांधी ने एक नया आंदोलन शुरू किया था दोस्तों। उस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो अपन अध्ययन करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तो पूछ ले टॉपिक क्या है दोस्तों, तो आज का अपना जो टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। पूछ ले इसी आंदोलन का और क्या कहा जाता है दूसरा नाम। पूछ ले दोस्तों अन्य नाम, अन्य नाम, तो इसी को कहा जाता है दोस्तों नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह, और इसी का एक और भी नाम है दोस्तों, इसी को कहा जाता है सिविल नाफरमानी। सिविल नाफरमानी। पूछ ले नमक सत्याग्रह या सिविल नाफरमानी कौन सा आंदोलन है, तो यह है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। पूछ ले नेतृत्व, इस आंदोलन को चलाने वाले कौन है, तो नेतृत्व करने वाले थे दोस्तों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। पूछ ले इस समय दोस्तों भारतीय वायसराय, भारतीय वायसराय, तो दोस्तों इस समय भारतीय वायसराय के जो पद पर थे दोस्तों वो थे लॉर्ड इरविन। पूछ ले भारतीय वायसराय कौन है, तो भारतीय वायसराय दोस्तों लॉर्ड इरविन। क्या इस आंदोलन की भूमिका रही, क्यों आंदोलन शुरू हुआ, तो दोस्तों आंदोलन का नेतृत्व करने वाले महात्मा गांधी। और आपको याद होगा महात्मा गांधी का एक समाचार पत्र चलता था दोस्तों यंग इंडिया, यंग इंडिया। और यंग इंडिया में क्या है दोस्तों, बात है 30 जनवरी 1930 की। 30 जनवरी 1930 क्या महात्मा गांधी समाचार पत्र यंग इंडिया, तिथि 30 जनवरी 1930। और 30 जनवरी 1930 को क्या इस लॉर्ड इरविन के समक्ष गांधी जी ने मांगे रखी थी 11 सूत्रीय मांग। तो पूछ रहे क्या कारण था, तो महात्मा गांधी का एक समाचार पत्र यंग इंडिया, तिथि 30 जनवरी 1930, 11 सूत्रीय मांगे रखी किसके समक्ष, लॉर्ड इरविन के समक्ष। पूछ रहे दोस्तों क्या मांगे थी, तो इनके बारे में अपन थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, क्योंकि जब मेंस की क्वेश्चन है उसमें ये बताने पड़ते हैं दोस्तों, लिखना पड़ता है। प्रमुख मांगे क्या क्या मांगे थे, तो प्रमुख मांगों पर अध्ययन करें दोस्तों। तो पहला पॉइंट इन्होंने कहा नमक पर से कर, नमक पर से कर हटाया जाए। गांधी ने कहा जो नमक पर आपने कर लगाया उस कर को हटाओ। दूसरा पॉइंट सैनिक खर्चों में 50% तक कटौती की जाए। जो सैनिक खर्चे उनमें लगभग 50% आप कटौती करें। तीसरा पॉइंट सिविल सेवा के अधिकारियों की तनख्वाह आदि की जाए। सिविल सेवा के जो अधिकारी हैं उनकी तनख्वाह भी आदि करें। चौथा पॉइंट भारत में नशीली वस्तुओं का विक्रय बंद किया जाए, नशीली वस्तुओं का विक्रय बंद किया जाए। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने कहा जिन राजनेताओं पर या जिन लोगों पर हत्या करने या करवाने का मुकदमा दर्ज नहीं है उन्हें जेल से रिहा किया जाए। तो काफी ऐसी गांधी ने अपने इस 11 सूत्रीय मांगों में इस लॉर्ड इरविन के समक्ष मांगे रखी। लेकिन ये दोस्तों अपन जो भी मांगे अपन ने ये पढ़ी है सारी मांगे,
इनमें से किसी भी मांग को इस लॉर्ड इरविन ने स्वीकार नहीं किया। लॉर्ड इरविन किसी भी मांग को स्वीकार नहीं करता, और जब इरविन इन मांगों को स्वीकार नहीं करेगा तो दोस्तों गांधी एक मार्च शुरू करेंगे, वो मार्च था दोस्तों दांडी मार्च। तो अपन देखें पहले नाम क्या था, नमक सत्याग्रह या सिविल नाफरमानी। नेतृत्व करने वाले कौन है, महात्मा गांधी, जबकि इस समय भारतीय वायसराय है लॉर्ड इरविन। और महात्मा गांधी का समाचार पत्र यंग इंडिया 30 जनवरी 1930 को 11 सूत्र ये मांगे रखी जाती है लॉर्ड इरविन के समक्ष। क्या क्या मांगे थी दोस्तों, तो नमक पर से कर हटाया जाए, सैनिक खर्चों में 50% तक कटौती की जाए, सिविल सेवा के अधिकारियों की तनख्वाह आदि कर दी जाए, और भारत में नशीली वस्तुओं का विक्रय बंद किया जाए, तथा इन सभी राजनीतिक अधिकारियों को रिहा किया जाए जिन पर हत्या करने या करवाने का मुकदमा दर्ज नहीं। ऐसी काफी कुछ 11 मांगे इन्होंने रखी, लेकिन इरविन ने किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया। और जब इरविन इस मांग को इन मांगों को जब स्वीकार नहीं करेगा दोस्तों, तो एक गांधी एक मार्च शुरू करेंगे। उस मार्च के बारे में अपन अध्ययन करते हैं दोस्तों, वो था दांडी मार्च। अपन अध्ययन वही कर रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए अब अपन थोड़ा दोस्तों पढ़ेंगे, वो अपन पढ़ते हैं दांडी। पूछ ले दांडी कहाँ है वर्तमान में, दांडी है दोस्तों गुजरात। दांडी वर्तमान में कहाँ है, गुजरात। दांडी मार्च 1930, अपन सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ रहे हैं, इसी का पार्ट है दांडी मार्च 1930। पूछ ले मार्च शुरू होने की तिथि, शुरू होने की तिथि। तो पूछ रहे दोस्तों दांडी मार्च शुरू कब हुआ था, तो दांडी मार्च शुरू होता है दोस्तों 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम आपको पता है दोस्तों कहां है, गुजरात में। साबरमती आश्रम कहां है, गुजरात दोस्तों। दूसरा पूछ ले कुल समर्थक, पूछ ले गांधी जी के साथ कुल समर्थक। तो इस दांडी मार्च में पूछ ले गांधी जी के साथ कुल कितने समर्थक थे दोस्तों, तो गांधी जी के साथ कुल समर्थक थे दोस्तों 78 समर्थक, 78 समर्थक गांधी जी के साथ में चल रहे थे। पूछ ले दोस्तों कुल दूरी कितनी दूरी है दोस्तों, तो कुल दूरी है दोस्तों 240 मील दूरी तय। पूछ ले कितनी दूरी तय की थी इन्होंने, 240 मील। पूछ ले दांडी पहुंचने की तिथि, दांडी पहुंचने की तिथि, दांडी पहुंचने की तिथि। तो कहीं पर 6 अप्रैल लिखा हुआ है, कहीं 5, लेकिन वास्तविक दोस्तों दांडी पहुंच ये गए थे 5 अप्रैल 1930 को। दांडी कब पहुंचे, तो दांडी पहुंचे थे दोस्तों 5 अप्रैल 1930 को। पूछ ले नमक कानून का उल्लंघन, नमक कानून का उल्लंघन, नमक कानून का उल्लंघन। नमक कानून मतलब दोस्तों अपना हाथों से पूछ रहे गांधी जी ने नमक कब बनाया, तो नमक कानून का उल्लंघन जो दोस्तों किया था वो किया था 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर, दांडी नामक स्थान पर। वह क्या, तो यहां पर दोस्तों गांधी जी ने अपने हाथों से नमक बनाया, गांधी जी ने अपने हाथों से नमक बनाया था। और यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, पूछ ले आंदोलन की शुरुआत, आंदोलन की शुरुआत दोस्तों, आंदोलन की शुरुआत आपको बताओ इसी तिथि को मानी जाती है 6 अप्रैल 1930 को। तो पूछ ले आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, आंदोलन की शुरुआत होती है 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी तो हालांकि आंदोलन शुरू कर रहे हैं दांडी में, लेकिन गांधी का ऐसा पहला ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन है जिसमें गांधी जी को संपूर्ण भारत में भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ था। अलग अलग जगह पर गांधी जी के समर्थन अलग अलग लोगों ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो यह था दोस्तों दांडी मार्च की प्रारंभिक चीजें अपन पढ़ रहे हैं, दांडी मार्च 1930। पूछ रहे शुरू होने की तिथि, दांडी मार्च शुरू कब हुआ दोस्तों, तो दांडी मार्च शुरू होता है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से। कुल समर्थक कितने दोस्तों, 78। कुल दूरी कितनी है, 240 मील। दांडी पहुंचे कब, 5 अप्रैल 1930। गांधी जी ने नमक कानून उल्लंघन कब किया या आंदोलन की शुरुआत कब हुई दोस्तों,
तो आंदोलन की शुरुआत होती है 6 अप्रैल 1930 को। तो ये तो थे दोस्तों इसके प्रारंभिक तथ्य। इसके अतिरिक्त गांधी जी को पूरे भारत में अलग अलग जगह पर भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ था। तो पूछ ले अन्य स्थान जहां पर इस आंदोलन का किस किस आदमियों ने नेतृत्व किया। तो देखो दोस्तों आंदोलन के अन्य स्थान दोस्तों, तो आंदोलन अन्य स्थान देखे दोस्तों, तो यहां पर था एक जगह थी धरासना। उस समय का नमक का सबसे बड़ा जो कारखाना था दोस्तों उसका नाम था धरासना। पूछ रहे धरासना में आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन, तो यहां पर आंदोलन का नेतृत्व करी थी सरोजनी नायडू के साथ गांधी जी का पुत्र मणिलाल, गांधी जी का पुत्र था मणिलाल। एक थे दोस्तों इमाम शाह, इन्होंने नेतृत्व किया था धरासना। पूछ ले दोस्तों बंबई दूसरा स्थान हम पढ़ते हैं दोस्तों बंबई, तो बंबई में पूछ ले दोस्तों नेतृत्व करने वाले कौन है इस आंदोलन का, तो बंबई में नेतृत्व कर रहे थे जमनालाल बजाज और इनके एक साथी और थे यूसुफ अली महर। जमनालाल बजाज और यूसुफ अली महर। जबकि पूछ रहे दोस्तों पटना, तो पटना इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि एक व्यक्ति थे दोस्तों उनका साथी थे, इनका नाम था अब्दुल बारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बारी। इसके अतिरिक्त पूछ रहे दोस्तों उड़ीसा, तो उड़ीसा में नेतृत्व करे थे दोस्तों गोपचंद्र बंधु चौधरी। पूछ रहे दोस्तों बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड में दोस्तों नेतृत्व कर रहा था डाकू मंगल सिंह। जबकि पूछ रहे दोस्तों मालाबार तट, तो दोस्तों मालाबार तट पर इसका नेतृत्व कर रहे थे केलपन। मालाबार तट पर इसका आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों वो थे केलपन। जबकि इसके अतिरिक्त अपन देखें दोस्तों मालाबार तट पर आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन है केलपन। जबकि एक था दोस्तों तंजोर तट। पूछ रहे तंजोर तट पर आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन है, तो तंजोर तट पर नेतृत्व करते सी राजगोपालाचारी। तंजोर तट पर इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन है सी राजगोपालाचारी। पूछ ले उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, यहां पर आंदोलन का नेतृत्व करते खान अब्दुल गफार खान, जिनको आपको पता है दोस्तों अपन जानते हैं सीमांत गांधी के नाम से। पूछ ले सीमांत गांधी किसको कहा जाता है, तो सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफार खान। और वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन दोस्तों जो आपको हर हाल में याद रखना है मणिपुर में पूछ लेंगे नेतृत्व, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो मणिपुर में इस आंदोलन का जो नेतृत्व करी थी वो थी एक नागा महिला गोडी नेल्यू। याद रखना दोस्तों नागा महिला गोडी नेल्यू। महिला कुछ नहीं दोस्तों, महिला मतलब ये 13 वर्षीय बालिका थी। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों। पूछ ले मणिपुर में आंदोलन का नेतृत्व करने वाली कौन है गोडी नेल्यू। पूछ ले इस गोडी नेल्यू की उपाधि याद रखना दोस्तों उपाधि थी रानी। गोडी नेल्यू उपाधि पूछ ले रानी। पूछ ले इसको रानी की उपाधि दी किसने दोस्तों, तो रानी की उपाधि दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। रानी की उपाधि देने वाले कौन है जवाहरलाल नेहरू। इसी गोडी नेल्यू को कहा जाता दोस्तों
नागालैंड की जॉन ऑफ आर्क। पूछ रहे हैं नागालैंड की जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है, तो ये भी किसे कहा गया दोस्तों, गोडिनेज। और वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन पूछ लेंगे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय, भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के समय सर्वाधिक समय तक जेल में रहने वाली महिला, सर्वाधिक समय तक जेल में रहने वाली महिला। तो स्वतंत्र आंदोलन के समय सर्वाधिक समय तक जो जेल में रहने वाली महिला वो भी कौन है दोस्तों, गोडिनेज। तो ये थे आंदोलन के अन्य केंद्र। पूछ ले धरासना, वापस एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं। पूछ ले धरासना में आंदोलन का नेतृत्व करने वाली कौन, सरोजिनी नायडू, मणिलाल और इमाम साहब। बंबई में नेतृत्व करने वाले जमनालाल बजाज और यूसुफ अली महर। पटना में आंदोलन का नेतृत्व करने वाले राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बारी। उड़ीसा में गोपचंद्र मंदु चौधरी। बुंदेलखंड में डाकू मंगल सिंह। मालाबार तट में केलपन। तंजौर तट पर सी राजगोपालाचारी। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफार खान, जिनको कहा जाता था सीमांत गांधी। मणिपुर वेरी इंपोर्टेंट पर्सन दोस्तों, यहाँ पर नागा मिला गोडिनेल्यू 13 वर्षीय बालिका है जिसको उपाधि थी प्राप्त रानी की। रानी को उपाधि देने वाले कौन है, जवाहरलाल नेहरू। नागालैंड की जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है, गोडिनेल्यू। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय सर्वाधिक समय तक जेल में रहने वाली महिला भी कौन है, गोडिनेल्यू। इसी समय क्या है, इस आंदोलन को और कैसे प्रसिद्ध बनाया जाए, तो इस आंदोलन को प्रसिद्ध बनाने के लिए क्या क्या दोस्तों, जो गांव थे उनमें प्रभात फेरियां निकाली गई, सुबह सुबह प्रभात फेरियां निकालकर लोगों को जागृत किया गया। दूसरा क्या दोस्तों, आंदोलन को और प्रसारित कैसे की जाए, तो लड़कों और लड़कियों की एक सेना बनाई गई। लड़कों की जो सेना बनाई गई दोस्तों उसका नाम रखा था वानर सेना, जबकि लड़कियों की जो सेना बनाई गई थी दोस्तों उसका नाम रखा था मंजरी सेना। तो इस आंदोलन में वानर सेना और मंजरी सेना का भी एक महत्वपूर्ण योगदान था। यह था दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। आंदोलन चल ही रहा था, इसी दरमियान क्या है, अंग्रेज चाहते कैसे करके भारतीय समझौता करके ठीक रूप से क्या शासन किया जाए। तो उसके बाद में सम्मेलन स्टार्ट हो जाएंगे, गोलमेज सम्मेलन। और पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों वो था 1931 में। तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला जो अपना टॉपिक रहेगा, अपन अगले बारे में जो अध्ययन करेंगे टॉपिक में, वो करेंगे दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931 और 32। तीनों कंटिन्यू साल तीन गोलमेज सम्मेलन होंगे। धन्यवाद दोस्तों, आगे अपन करते हैं अगले वीडियो में।